नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इसमें हम जानेंगे क्या आपको हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ ये जो हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक कंपनी है जिसका आईपीओ आने जा रहा है, और इसके लिए आपको अप्लाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर आप अप्लाई करते हैं तो कैसे आप आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जो हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ है, आईटी सेक्टर की कंपनी है और काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, तो अगर आप ग्रोथ में विश्वास रखते हैं और अगर आप बुलिश हैं कि आपको आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके प्रमोटर्स भी काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं जो कि माइंड ट्रिक के भी प्रमोटर्स थे, ये भी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो माइंडसेट होनी चाहिए कि जो मार्केट है हमारा वो 17 तारीख को जो लिस्टिंग डेट है उस समय क्या मार्केट बुलिश होगा या बेयरिश, ये काफ़ी डिपेंड करता है। अगर मार्केट बुलिश रहा तो निश्चित है कि आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट होती है तो फिर हो सकता है कि ये जो प्राइस पे इश्यू हो रहा है उस प्राइस पे भी लिस्ट हो या उससे नीचे भी लिस्ट हो, तब मार्केट पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे मार्केट जो है सिर्फ करेक्शन के फेज में रह सकता है, गिरावट इसमें नहीं भी हो सकती है, तो इन सब बातों को आपको ध्यान देना है। इस कंपनी के बारे में विशेष जानना है तो आप कोई भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए 2011 में स्टार्ट हुआ था, बेंगलुरु बेस्ड एक आईटी कंपनी है और इसका जो बिजनेस है बहुत सारे कंट्रीज जैसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है और 148 एक्टिव कस्टमर्स है इसके 30 जून 2020 तक की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये जो आर्टिकल है आप देख सकते हैं यहाँ पर chittorgarh.com पे, ये आर्टिकल मैं यहाँ पर ओपन किया हूँ। आप इस कंपनी के स्ट्रेंथ जो है उसको देख सकते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ फोकस्ड ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन डेवलपमेंट। तो इसके जो हम प्रमोटर्स बोले अशोक सूटा, यहाँ पर देख सकते हैं अशोक जी जो है ये माइंड ट्री के भी प्रमोटर्स थे और काफ़ी अच्छा इन्होंने माइंड ट्री में सबको अच्छा मतलब गेन दिखाया था, अच्छा प्रॉफिट दिखाया था सारे इन्वेस्टर को। और कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ देख लीजिए मार्च 2018 में कंपनी लॉस में चल रही थी, देख सकते हैं 224 मिलियन का लॉस था, वहीं 19 मार्च में यहाँ देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिट में आ चुका है 142 मिलियन, ये मिलियन में है, 717 मिलियन यहाँ पर प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 का, मतलब 71 करोड़ प्रॉफिट है, 50 करोड़ जून क्वार्टर का है। तो यहाँ पर आप देखते जाइए सारे चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है, कंपनी काफ़ी ग्रोइंग फेज में है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, रेवेन्यू है काफ़ी इंक्रीज हो रहा है तेज़ी से। और साथ साथ आईपीओ के डिटेल की बात करें तो यहाँ आपको सिर्फ ये देखना है, अगर आप रिस्की इन्वेस्टर हैं, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं और अगर आप आईटी सेक्टर में आगे अच्छा ग्रोथ देखते हैं तो आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक है, बस मार्केट डिपेंड करता है कि अभी जो मार्केट होगा 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, तो वो मार्केट बुलिश होगा या बेरिश, इस पर लिस्टिंग गेन डिपेंड करेगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो मार्केट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। कंपनी ओवरऑल ठीक है, आईटी सेक्टर में ऐसे भी अभी जो सारी कंपनी है उसके जो प्राइस देखेंगे काफ़ी हाई पे चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सारी कंपनियाँ जो आईटी कंपनी है वो हमारी इस पैंडमिक से काफ़ी कम प्रभावित हुआ है, ये भी कंपनियों का जो बिजनेस है 75% प्रभावित नहीं हुई है। तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें भी हैं। मार्केट बेरिश रहा तो आपको लिस्टिंग गेन नहीं मिल सकता है, इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 7 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा और 9 तक चलेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो इसके लिए वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है कि किसी भी आईपीओ के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और बेसिक जो अलॉटमेंट है 14 सितंबर को होगा, और रिफंड जो मिलेगा जिनका मतलब आईपीओ में सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब जिनको आईपीओ में शेयर नहीं मिलेगा, तो उनका रिफंड 15 सितंबर को हो जाएगा। 17 सितंबर को एक कंपनी लिस्ट हो जाएगी और जो 90 शेयर का लॉट है और एक लॉट के लिए आपको जो अमाउंट वहां पर ब्लॉक होगा वो है 14,940 रुपये। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। और आईपीओ यहां पर देखते हैं जो इश्यू साइज है 42,000 करोड़ का है, और इसमें कुछ जो है फ्रेश इश्यू होगा और कुछ ऑफर फॉर सेल है, तो दोनों याद रखना। यहाँ पर फ्रेश इश्यू यहाँ पर देख लेते हैं, इतना शेयर का फ्रेश इश्यू होगा 110 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, ऑफर फॉर सेल है 592 करोड़ का, और जो फ्रेश इश्यू है वो है
66 लाख 26 हज़ार शेयर का फ्रेश इश्यू है और ऑफर फॉर सेल जो यहां पर देख सकते हैं ऑफर फॉर सेल हो जाएगा 3 करोड़ 56 लाख शेयर का ऑफर फॉर सेल होगा, जिसमें टोटल अमाउंट जो होगा 592 करोड़ का। फेस वैल्यू जो है 2 रुपये का है। आईपीओ प्राइस जो है वो देखते हैं 165-166, तो लोअर प्राइस बैंड है 165, अपर प्राइस बैंड है 166। मार्केट लॉट है 90 शेयर का। मिनिमम क्वांटिटी आप 90 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है जो लॉट साइज है 13 लॉट आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 1,94,000 तक का जो रिटेल इन्वेस्टर का, तो रिटेल इन्वेस्टर का यह लिमिट है कि आप मैक्सिमम 2 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 लॉट पड़ता है जिसमें 1,170 शेयर होगा। तो ये हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का बारे में सारा इन्फॉर्मेशन था। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें तो मैं इसके लिए ज़रूर अप्लाई करूँगा। ऐसे भी मैंने IRCTC के लिए अप्लाई किया था, उसके बाद SBI कार्ड के लिए अप्लाई किया था। तो इन दोनों IPO में हमें जो है IPO अलाउड ही नहीं हुआ इन दोनों IPO में, तो इसलिए हम इस हैप्पीएस्ट माइंड IPO में भी अप्लाई करेंगे। उससे पहले भी एक और IPO आया था, एक रीट IPO था, उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया, वहाँ पे भी नहीं मिला। तो इसमें हम ज़रूर अप्लाई करेंगे दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन IT सेक्टर कंपनी, अगर मार्केट ठीक ठाक रहता है, साइडवेज भी रहता है, सिर्फ बियरिश नहीं रहता है, तो निश्चित है कि यहाँ आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। आपको अपना अगर अच्छा लगता है, अगर आप बुलिश हैं, मार्केट बुलिश रह सकता है, अगर इन सारी चीज़ों को सोच करके तब आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।